हेलो गाइस, सो वी एफ एल डी टेक में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ आपको टेक न्यूज़ देने, और आज भी बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ है, बहुत सारी अच्छी खबरें और इम्पोर्टेंट खबर है इनफैक्ट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाइए, ऑल कीजिए, और इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, और साथ में आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, मतलब मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही मैं कोई कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ये जो लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, इसके तहत बहुत ही मतलब बुरी हुआ, आपको तो पता ही है, मतलब सब घर पर बैठ के बोर हो रहे हैं, कोई कोई गेम्स खेल रहे, कोई कोई टीवी देख रहे हैं, लेकिन वो ठीक है दोस्तों। अभी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक पिटीशन फाइल हुआ है, जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर वो पिटीशन फाइनल हो जाता है, मतलब हाँ बोल देते हैं, तो दोस्तों ऐसा होगा कि आपका जो सिम कार्ड या फिर आपका जो टीवी कार्ड, डीटीएच है, रिचार्ज है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें, डेटा वगैरह सब आपको अनलिमिटेड हो जाएगा, आपको कोई पैसे भरने नहीं पड़ेंगे। अब ये क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि तीन चार लोग हैं जो मतलब बहुत सारे लोग हैं, कोई कोई लोग हैं जो घर पे बैठ के एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, साइकोलॉजी ऐसा हो चुका है, एंड तो जी हाँ, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। अब देखते हैं, अगर ये पिटीशन फाइनल हो गया तो फिर आपको सब फ्री मिल जाएगा, आपका रिचार्ज, टीवी, केबल सब कुछ फ्री हो जाएगा, और मतलब सब टोटली फ्री हो जाएगा, जो आप मोबाइल में करते हो, टीवी में देखते हो, वो सब फ्री हो जाएगा। अगर ये पिटीशन फाइल हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो ये चीज़ हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का अगले खबर की ओर, वो आनी आप पर आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था कि आरोग्य सेतु ऐप में एक बग तो नहीं, मतलब प्राइवेसी इशू है, जी हाँ, अब वो फिक्स्ड हो चुका है, जी हाँ, वो इशू फिक्स्ड हो चुका है। बट यार ऐसा होता क्यों है कि इंडिया में कोई भी इंडियन वेबसाइट बनती है तो वो क्यों मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें प्राइवेसी इशू आ जाते हैं, या फिर कोई उसको हैक कर देता है, आई डोंट नो वाई, मतलब क्यों होता है ये मुझे नहीं पता। बट अगर आप इंडिया में यूज़ करते हो तो अब शांत हो जाइए, अब आराम से आप यूज़ कर सकते हो इस ऐप को, क्योंकि और हाँ, इस ऐप ने 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड्स, अभी तो उससे भी ज़्यादा हो गए, जी हाँ, इंडिया में या फिर ग्लोबली अचीव किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी ये इशू फिक्स्ड है, अब आपका कोई प्राइवेसी इशू नहीं है, जी हाँ, और कुछ बाकी नहीं है, एक ही इशू था जो कि फिक्स हो चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मतलब डाउनलोड करने से कतरा रहे नहीं, जी हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए लाया है। चलिए दोस्तों, आपका तक लगभग ये हो रहा है यहाँ पर एप्पल की तरफ से। जी हाँ, आईफोन 12 सीरीज़ जो आने वाली है दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था उसके बारे में, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाया थे, बट दोस्तों अब जो है इसकी डिज़ाइन दिख रही है, जी हाँ, आइस यूनिवर्स या फिर अब कोई दूसरा है, उन्होंने ट्वीट किया है इसके ऊपर और फ़ोटो भी दिया है। दोस्तों इसका डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है, पहले वाला आईफोन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। छोटी सी नॉच है, जो कॉर्नर प्ले आपको अगर ये फ़ोन याद होगा तो इतनी छोटी सी नॉच है। क्वाड कैमरा है पीछे, आपको पता है इस बार लीडर सेंसर भी आने वाला है, जी हाँ, तो वो सेंसर भी है अब, जी हाँ, अब देखते हैं ये हमें कितनी किडनियाँ दाव पे लगानी पड़ती है, ये तो हमें आफ्टर सम मंथ्स पता चलेगा, जी हाँ। चलिए रोशनात का अगला खबर की और वो आनी यहाँ पर आईकू की तरफ से। जी हाँ, अब दोस्तों आईकू एक सर्टिफिकेशन पे वापस से लिस्ट हो चुका है, और अब इसकी और लीक आ गई, आईकू नियो 3 मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 44 वाट की चार्जिंग मिलेगी, जी हाँ, सुपर फास्ट चार्जिंग या फिर फास्ट चार्जिंग, जी हाँ, मतलब बहुत ही फाड़ू, मतलब कमाल का ये फ़ोन होने वाला है। उसकी प्राइस 2 बार लीक हुई थी, पहले बताया जा रहा था 32,000 तक होगा, और उसके बाद बताया कि 28,000 का होगा या फिर 30,000 का, देखते हैं, ये हमें 23 अप्रैल को पता चलेगा कि कितने का ये फ़ोन होता है। चाइना में ये लॉन्च हो रहा है और इंडिया में 100% आएगा। वैसे आज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि अगर इंडिया में आईकू नियो 3 आता है तो क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हैं, आप खरीदोगे उस फ़ोन को, और ये 100% आने वाले इतना पक्का है।
कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए दोस्तों आज का अगला खबर की और वो आनी यहाँ पर शाओमी की तरफ से। जी हाँ शाओमी का मैंने आपको बताया था मी की तरफ से MI की तरफ से दोस्तों मी ने आज इंडिया में वैक्यूम क्लीनर रोबोट लॉन्च कर दिया है। जी हाँ उसका नाम है मी रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऐसा कुछ नाम है इसका मी रोबोट वैक्यूम क्लीनर जी हाँ यही नाम है। और इसकी प्राइस फिलहाल के लिए क्राउड फंडिंग में कुछ कुछ लोगों को ये मिलेगा 18,000 रुपये। जी हाँ अभी सीधा झाड़ू लेके झाड़ू मारने लग जाओ यार वैक्यूम क्लीनर 18,000 का और झाड़ू मतलब क्या ही बात करें। जी हाँ कोई कोई लोग ही ले पाएंगे क्योंकि और ऐसी इसकी असली प्राइस 30,000 है अभी क्राउड फंडिंग के लिए। तो अगर आपको 18,000 में ये जो प्रोडक्ट है वो लेना है अभी नहीं ले सकते अभी लॉकडाउन है जब चालू होगा तब सब ले लेना 18,000 का। जी हाँ एक झाड़ू और एक वैक्यूम क्लीनर अगर असली में वैक्यूम क्लीनर लेंगे भी इतना महंगा तो नहीं आएगा वो कुछ 10,000 तक आ जाएगा। जी हाँ 18,000 और वो भी 30,000 जी हाँ असली प्राइस तो 30,000 है। पता नहीं मी ने ये क्या किया मी का रोबोट वैक्यूम क्लीनर मतलब वो अपने आप झाड़ू मारता रहेगा आपको बस सोते उसको देखना है। देखते हैं कौन कौन लेता है वैसे क्या आप लोगे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों आज के अगला खबर की और वो आनी यहाँ पर शाओमी की तरफ से दोस्तों अनुज। जी हाँ अनुज जो शाओमी के मतलब जनरल मैनेजर है उन्होंने बताया कि भाई अभी से जो शाओमी का फ्लैगशिप्स आने वाले हैं ऑब्वियसली GST वगैरह बढ़ गया है फ़ोन्स पे तो आपको महंगे थोड़े फ़ोन्स महंगे देखने को मिलेंगे। जी हाँ सस्ते नहीं मिलेंगे शाओमी की तरफ से अब आप ये उम्मीद मत रखना स्पेशली फ्लैगशिप। जी हाँ ये उन्होंने क्लियर कह दिया। अब देखते हैं मीटिंग क्या प्राइस पे आता है ये तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। चलिए रोशन आज का देख ले खबर की और वो आने यहाँ पर रेडमी की तरफ से दोस्तों। अब दोस्तों रेडमी नोट 9 लिस्ट हो चुका है कोई सर्टिफिकेशन पे और उसमें बताया जा रहा है कि हीलियो G80 का प्रोसेसर होगा साथ में 6.53 इंचेस की फुल HD+ की डिस्प्ले होगी IPS होगी। जी हाँ मुझे लग ही रहा था कि ये नोट 9 5G कुछ अलग ही है और ये फ़ोन असली में इधर है। जी हाँ नोट 9 जी हाँ वैसे आपको क्या लगता है क्या इंडिया में नोट 9 विद हीलियो G80 प्रोसेसर आना चाहिए नहीं आना चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का अगले खबर के और वो आनी यहाँ पर रियलमी की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको कल नहीं रोज़ कहता हूँ कि रियलमी के बिना अगर कोई टेक न्यूज़ होती भी है तो बहुत सूनी सूनी है। जी हाँ बहुत ज़्यादा सूनी हो जाती है और मैंने आपको ये भी कहा था कि रियलमी हाथ में ग्रेनेड लेके बैठा है जैसे लॉकडाउन हटा फट करके फेंकेगा। जी हाँ सही में दोस्तों ऐसा ही हो चुका है। अब रियलमी नार्जो सीरीज़ की लॉन्च डेट आ चुकी है। जी हाँ ये 21 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। आई डोंट नो कैसे कहाँ खरीदने कहाँ जाओगे आप मुझे नहीं पता बट ये लॉन्च हो जा रहा है यही एक अच्छी बात है। मैंने आपको कहा था लॉकडाउन हटने दो रियलमी धमाके पे धमाका करेगा ये तो शुरुआत है। अब रियलमी TV भी आएगा जो कि शायद मिड तो आ गया पता नहीं कब मिलेगा मई में शायद मिल जाए वैसे आप अगर आपको देखना हो इवेंट तो मैं नीचे लिंक अभी नहीं डालूंगा उस दिन नहीं 20 अप्रैल को डाल दूंगा टेक न्यूज़ में और अब देख लेना ये वाली नहीं जो कभी आएगी उसमें डालूंगा। जी हाँ वैसे क्या आप एक्साइटेड हो रियलमी नार्जो 10A के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैं रियलमी नार्जो पोको X2 किलर या फिर गेमिंग फ़ोन के लिए एक्साइटेड हूँ। जी हाँ मैं वो मई में आने वाला है इतना बता दूँ। जी हाँ चलिए बस आप कहते अगले खबर की और वो आनी यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ व्हाट्सएप ने एक नया फीचर ऐड किया है अपने अभी नहीं किया है मतलब बीटा में फ़िलहाल के और किसी ने ढूंढ के निकाला कि आप 4 लोगों से ज़्यादा लोगों से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो। जी हाँ फाइनली ये चीज़ व्हाट्सएप ने बीटा में डाल दी है। अब देखते हैं ये कब ऐसे पब्लिश करेगा और हम लोग को मिलेगा मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से बता दूँगा। जी हाँ क्या आपको पता है कि दोस्तों हम इंडिया में स्मार्टफोन्स
में कितना डेटा रोज़ का यूज़ करते हो अगर आप कैलकुलेट करो तो वो होता है 5 टेराबाइट। जी हाँ, टेराबाइट भी नहीं, पेटाबाइट। पेटाबाइट क्या होता है? 1 टेराबाइट इज इक्वल टू पेटाबाइट। 10,000 टेराबाइट इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट। 50,000 पेटाबाइट। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ आपके खत्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से थोड़ा लाइक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही गर्मा गर्म तड़केदार बाल्टी भर के टेक न्यूज़ लाता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आज से अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। घर पर रहो। अब देखते हैं 20th को मोदी जी क्या कहते हैं।